हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ आपको एंसेंट डेब्रिस माइनिंग करने के दो बेस्ट तरीके, और ये भी बताने वाला हूँ आपको किस वाई लेवल कोऑर्डिनेट पे माइनिंग करनी चाहिए जिससे आपको ज्यादा एंसेंट डेब्रिस मिलेंगे। ठीक है, समझिया? समझ गए, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो पहले तरीके में आपको नेदर में टीएनटी और फ्लिंट एंड स्टील लेकर आना है, और आपको वाई लेवल 15 पे जाना है। जैसे मैं आ चुका हूँ वाई लेवल 15 पे, और आपको टीएनटी लगाने के लिए एक लंबी सी टनल खोदनी है, जैसे कि मैं खोद रहा हूँ। और ये देखो भाई, मैं टनल खोद ही रहा था तभी ये मेरे को एक एंसेंट डेब्रिस भी मिल गया। और आप इस बात से सोच सकते हो कि वाई लेवल 15 पे कितने ज्यादा एंसेंट डेब्रिस मिल सकते हैं। और अब मैंने एक लंबी सी टनल खोद ली है, अगर आप चाहते हो तो और भी लंबी टनल खोद सकते हो। और फिर आपको टीएनटी लगाना है एक ब्लॉक छोड़ के। एक ब्लॉक छोड़ के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पास में लगा दोगे तो आपके ज्यादा टीएनटी वेस्ट हो जाएंगे, और अगर आप दो दो ब्लॉक का गैप दोगे तो फिर आपके टीएनटी ब्लास्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक एक ब्लॉक का गैप छोड़कर टीएनटी लगाने हैं। और सब टीएनटी लगाने के बाद आपको फ्लिंट एंड स्टील से टीएनटी को जला देना है। और गाइस, अब आप देख ही सकते हो मेरे को कितने ज्यादा एंसेंट डेब्रिस मिल गए हैं। तो गाइस, दूसरे तरीके में भी आपको एक लंबी सी टनल खोद लेनी है, और आपको इस बार अपने साथ में लेके आने हैं बहुत सारे बेड और बिल्डिंग ब्लॉक। और अब आपको जहाँ से भी माइनिंग स्टार्ट करनी है वहाँ के आपको एक बेड प्लेस करना है, और एक ब्लॉक का गैप देके आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है। जैसे ही आप बेड पे टैप करोगे तो बेड ब्लास्ट हो जाएगा और आपको डैमेज भी नहीं आएगा। और ये तरीका आप लोग क्रीपर से बचने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे ही आपके पास क्रीपर ब्लास्ट होने को आए तभी आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है जिससे आपको डैमेज नहीं आएगा। और गाइस, अब मैं आपको बहुत सारे बेड ब्लास्ट करके दिखाता हूँ कि मेरे को कितने एंसेंट डेब्रिस मिलते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कितने एंसेंट डेब्रिस मिले हैं। तो गाइस, ये देखो, दो एंसेंट डेब्रिस इधर हैं, दो इधर और दो इधर, और आगे भी एंसेंट डेब्रिस हैं। और गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास गन पाउडर है तो आप टीएनटी से माइनिंग करना, और अगर आपके पास टीएनटी बनाने के लिए गन पाउडर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए गन पाउडर फार्म की वीडियो ले आऊंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।